भगवान शिव अंतर्यामी थे। एक बार उन्होंने देखा कि उनके गण अहंकारी हो उठे हैं। ठहरो, कहाँ जाती हो? हमें माता पार्वती का संदेश प्रभु को देना है। शिव ने तत्काल लीला रची। तुम देख नहीं रही, वे समाधि में हैं। देख रहे हैं, पर फिर तुम ही हमारे साथ चलो जल्दी। माता श्री से तुम ही संदेश ले लेना। बाकी शिवगणों को वहीं छोड़कर नंदी जय विजय के साथ माता पार्वती के पास पहुंचा। प्रभु के लिए क्या संदेश है माता श्री? नंदीश्वर, मैं जय विजय के साथ स्नान करने के लिए मानसरोवर जा रही हूँ। तुम मेरे लौटने तक यही रहना, किसी को भी उधर ना आने देना। योग्य माता श्री, मेरे रहते कोई भी उधर नहीं आएगा। उधर शिव अपनी समाधि छोड़कर उठ खड़े हुए। मुझे इन गणों का गर्व हरण करना ही होगा। शिव नंदी के पास पहुँचे। प्रभु, माता श्री यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, फिर कहाँ है? वे स्नान के लिए मानसरोवर गई हैं। नंदी आगे कुछ कहता, इससे पहले ही शिव मुड़कर मानसरोवर की ओर चल दिए। प्रभु को मैं कैसे रोक सकता हूँ? शिव वहाँ पहुँचे जहाँ पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी। अरे प्रभु, नंदी ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया माता श्री। भले ही वे मेरे स्वामी हैं, पर इन्हें इस प्रकार यहाँ नहीं आना चाहिए था। वे भगवान शिव के गण हैं, उन्हें भला किस प्रकार रोक पाते? पार्वती ने अपनी नाराजगी प्रकट की। आपके गण मेरी आज्ञा नहीं मानते, तभी तो उन्होंने आपको यहाँ आने दिया। शिव की समाधि में जाने के बाद एक दिन, मुझे कोई ऐसा गण बनाना है जो केवल मेरी ही आज्ञा माने। मैं भी यही कहने वाली थी सखी, भगवान शिव के गण तो बड़े ढीठ हो गए हैं, न जाने क्या समझने लगे हैं अपने आप को। पार्वती ने अपने शरीर के मैल से तत्काल एक सुंदर पुतला बनाया। देखो, यह रहा मेरा गण। सुंदर है, पर इसमें यदि जीवन भी होता तो? पार्वती ने अपनी शक्ति से उसमें जीवन डाल दिया। आज्ञा माते, पुत्र मेरे साथ आओ। पार्वती ने उसे मानसरोवर के प्रवेश द्वार पर खड़ा किया। पुत्र, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, मेरी अनुमति के बिना किसी को भी उधर मत आने देना। कुछ देर बाद शिव वहाँ पहुँचे। अरे, यह बालक कौन है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। शिव आगे बढ़े तो बालक ने रोका। ठहरो, मेरी माता की अनुमति के बिना कोई भी इस द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। शिव को कोप आ गया। मूर्ख बालक, मुझे रोकने का साहस करता है, तू मुझे नहीं जानता। आप कोई भी हैं, पर मेरी माता पार्वती की आज्ञा है कोई भी उधर न जाए। दुष्ट, मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा, या देख मेरा त्रिशूल, या तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बालक ने आओ देखा ना ताओ झट से शिव पर दंड से प्रहार कर दिया। अपनी खैर चाहता है तो भाग यहाँ से। आह, बालक के दंड का प्रहार खाकर भगवान भोलेनाथ बनावटी क्रोध से बोले, दुष्ट, पार्वती मेरी पत्नी है, तू मुझे ही उसके पास जाने से रोक रहा है, मैं तुझे देख लूंगा। शिव अपने गणों के पास पहुंचे। जाकर देखो वहाँ कौन दुष्ट बालक खड़ा है। शिवगण बालक के पास पहुंचे। ए बालक, तुझे अपना जीवन प्यारा है तो भाग जा यहाँ से, हम शिवगण हैं, तुझे चुटकियों में मसल सकते हैं। बालक ने तत्काल ही तेजी से अपना दंड घुमाया। भाग जाओ यहाँ से, वरना एक एक की अकल ठिकाने लगा दूंगा। तभी माता पार्वती स्नान करके वापस लौट आई। यह शोर कैसा था पुत्र? माते, कोई त्रिशूलधारी शिव और उनके गण मुझे धमकाकर सरोवर की ओर जाना चाहते थे, मैंने उन्हें भगा दिया। ठीक किया तुमने, आगे से भी इसी तरह अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। पार्वती गुफा के द्वार पर पहुंचे। पुत्र, हम भीतर जाकर विश्राम करेंगे, तुम किसी को भी भीतर मत आने देना, भले ही शिव क्यों न हो। जो आज्ञा माते। पार्वती भीतर चली गई तो शिवगण फिर वहां आ गए। कुमार, भगवान शिव पार्वती के पति हैं, तुम उन्हें उन्हीं के घर में जाने से क्यों रोकते हो? क्योंकि यह मेरी माता की आज्ञा है, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, उनकी आज्ञा के बिना वे कभी अंदर नहीं जा सकते। वे सभी शिव के पास पहुंचे। प्रभो, वह अपने को पार्वती का पुत्र बताता है, वह किसी दशा में भी अपनी माता की आज्ञा के बिना आपको भीतर जाने नहीं देगा। शिव सोच में पड़ गए। अब गणों को अपनी शक्ति का पता चल जाएगा और देवताओं को भी। बहुत समय से सभी निष्क्रिय हो रहे थे। शिव ने अपने सारे गणों को एकत्र किया। सुनो, यदि हमने उस बालक की चुनौती स्वीकार नहीं की तो हमारा मान घट जाएगा, इसलिए हमें लड़कर उसे हराना ही होगा। जो आज्ञा भगवान। सभी गण उस पर दौड़ पड़े। खत्म कर दो इस दुष्ट बालक को। क्यों नहीं, मुझे चूहा समझा है तुम लोगों ने। दूसरे ही पल बालक काल बनकर शिवगण पर टूट पड़ा। भाग जाओ यहाँ से, क्यों बेमौत मरना चाहते हो? उफ, आ, आ, आ। गणों को पिटता देखकर नंदी ने बालक पर आक्रमण किया।
तू ऐसे नहीं मानेगा। ओह, परंतु दूसरे ही क्षण, पर तू तो ऐसे मानेगा। अनेक गणों को मरता देख शिवगण वहां से भाग खड़े हुए। अरे भागते कहां हो कायरो? पिटपिटाकर शिवगण वापस आए तो शिव क्रोध से भर उठे। उसका इतना साहस! नंदी जाओ, ब्रह्मा विष्णु और देवराज इंद्र को बुलाओ। तत्काल तीनों यथाशीघ्र शिव के पास पहुंचे। आपने स्मरण किया भगवान। ब्रह्मदेव, उस उद्दंड बालक को वश में करो। ब्रह्मा विष्णु और इंद्र तीनों ब्राह्मण के वेश में बालक के पास पहुंचे। मूर्ख बालक, तू जानता है कि किससे उलझ रहा है? वे महाकाल है, तेरा विनाश कर देंगे, उनके सामने से हट जा। विप्रवर, मुझे शिक्षा देने तथा धमकाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। पकड़ लो इसे, या ऐसे नहीं मानेगा। दूसरे ही पल बालक दंड उठाकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। तुम भी मार खाए बिना नहीं मानोगे? रुको, भागते कहां हो? शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को बुलाया। आज्ञा पिताश्री। पुत्र, तुम देवताओं के सेनापति हो, जाओ उनकी सहायता करो। कार्तिकेय के साथ देवताओं की विशाल सेना ने बालक पर एक साथ आक्रमण कर दिया और उसे घेर लिया। घेर लो इसे। मैं प्राण दे दूंगा, पर माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। अपने पुत्र को विपत्ति से घिरा देख पार्वती ने दुर्गा और काली नामक अपनी दो शक्तियों को बुलाया। जाओ मेरे पुत्र की मदद करो। दुर्गा बालक को सुरक्षा चक्र में लेकर देव सेना पर टूट पड़ी। दूसरी ओर महाकाली ने देव सैनिकों के रक्त से प्यास भरना शुरू कर दिया। उसी समय सनी की दृष्टि बालक पर पड़ी। कुमार, भाग जाओ, महाकाल शिव के त्रिशूल से बच नहीं पाओगे। आने दो, उन्हें भी देख लूंगा। नहीं कुमार, मेरी दृष्टि अशुभ मानी जाती है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था, पर आना पड़ा। तुम हट जाओ यहाँ से। उसी समय तेज गति से शिव का त्रिशूल आया और बालक के मरने की सूचना जैसे ही पार्वती को मिली वह तड़प उठी। महाशक्तियों बदला, जब तक एक भी देवता और उनके कोई भी गण जीवित है, मुझे चैन नहीं मिलेगा। महाशक्तियां सभी देवगणों पर टूट पड़ी और उन्हें पकड़ पकड़ कर खाने लगी। प्रभु, पार्वती माता का क्रोध शांत करिए, हमें बचाइए भोलेनाथ। पार्वती को मैं कैसे शांत कर पाऊंगा? शिव को बोलते ना देख ब्रह्मा विष्णु और इंद्र तुरंत पार्वती के पास पहुंचे। हे महादेवी, हे जगजननी अम्बे, हे माँ पार्वती, हम पर दया करो, हमें क्षमा करो। जब तक मेरा पुत्र जीवित होकर संपूर्ण देवताओं में मान प्राप्त नहीं करेगा, तब तक कोई क्षमा नहीं। ब्रह्मा और विष्णु ने पार्वती की शर्त शिव को बताई। तब शिव बोले, उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका सिर काट लाओ और बालक के सिर पर लगा दो। उत्तर दिशा में सबसे पहले जीव हाथी मिला। ब्रह्मा ने हाथी का सिर लाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया तो वह जीवित हो उठा। ओह, अब मैं पार्वती को मुंह दिखाने लायक हुआ। सभी देवगण बालक को लेकर पार्वती के पास आए, पर पार्वती को पूर्ण संतोष नहीं मिला। मेरे फूल से बच्चे का यह क्या रूप बना दिया तुमने, और अब इसे पद कौन सा मिलेगा? पार्वती, यह मेरा दूसरा पुत्र सभी गणों का अधीश्वर गणेश कहलाएगा, और देवी सभी देवताओं में इसका पूजन सबसे पहले होगा। सभी विघ्नों का विनाशक या गणेश सिद्धि विनायक होगा। देवताओं के जाने के बाद एकांत में शिव ने पार्वती से कहा, मुझे खेद है देवी, मैंने तुम्हारा मान भंग करना चाहा। असल में मैं अपने गणों का गर्व भंग करना चाहता था। शिव और पार्वती बालक गणेश का बड़े प्रेम से लालन पालन करने लगे। माँ, मुझे लड्डू बहुत पसंद है, कब बनाओगी? आज ही बेटा। गणेश बड़े हो गए तो एक दिन कार्तिकेय अपने माता पिता से मिलने आए। बेटा कार्तिकेय, तुम और गणेश अब बड़े हो गए हो, मैं तुम्हारा विवाह कर देना चाहती हूँ। पर माते, मैं तो विवाह करना नहीं चाहता, आप गणेश का विवाह रचा दे। नहीं माते, बड़े भाई के रहते मैं भला विवाह कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उन्हें समझाया। पुत्र, विश्वरूप प्रजापति की दो कन्याएं रिद्धि और बुद्धि से तुम्हारा विवाह होना निश्चित है। विवाह तो तुम्हें करना ही होगा, परंतु
परंतु क्या पिताश्री? परंतु तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा पहले कराए उसका विवाह पहले होगा। ठीक है, हम जाते हैं पिताजी, आज्ञा दें। जाओ, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। माता पिता की आज्ञा लेकर कार्तिकेय तो अपने मोर पर सवार होकर उड़ गए, पर गणेश वहां बैठे रह गए। अरे, तुम नहीं गए गणेश? पिताश्री, मैं कैसे जाऊं? मेरी तो कोई सवारी ही नहीं है। तभी एक चूहा वहां आया। कुमार, क्यों निराश होते हो? तुम मुझे अपनी सवारी बना लो। कहते तो तुम ठीक हो, चलो हम तुम्हारी पीठ पर ही सवारी करेंगे। गणेश जी चूहे की पीठ पर सवार हो गए। चल भाई मूषक राज, पहले माता पिता की परिक्रमा कर ले, फिर पृथ्वी के भ्रमण के लिए चलेंगे। चूहे पर बैठे बैठे गणेश ने शिव पार्वती की तीन बार प्रदक्षिणा की। तीन बार शिव पार्वती की परिक्रमा करके गणेश बैठ गए। बस अब मैं थक गया। हे मूषक राज, स्वामी कुछ देर आराम कर लूं। ठीक है, आओ आराम करो। उधर कार्तिकेय तीव्र गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने उड़े जा रहे थे। कुछ देर बाद, जरा धीमी गति से चलो पक्षीराज, यदि मैं पहले पहुंच गया तो विवाह मुझे ही करना पड़ेगा। कुछ देर बाद गणेश ने शिव पार्वती की चार बार प्रदक्षिणा की और बोले, पिताश्री मैं तो सात बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर चुका हूँ, पर भ्राताश्री अभी तक नहीं आए। यह तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुम तो यहाँ से कहीं गए ही नहीं, फिर सात बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा कैसे की तुमने? माताश्री, पुत्र के लिए माता पिता का पूजन और उनकी प्रदक्षिणा ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा है। गणेश, ठीक कहता है पार्वती, इसने एक बार नहीं सात बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है। पुत्र की बुद्धि से पार्वती प्रसन्न हो उठी। शुभ मुहूर्त में विश्वकर्मा ने प्रजापति की दोनों कन्याएं सिद्धि और बुद्धि से गणेश का विवाह संपन्न करा दिया। कुछ समय बाद गणेश जी की पत्नी सिद्धि से शेम और बुद्धि से लाभ नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। उधर पृथ्वी की परिक्रमा करके कार्तिकेय जब कैलाश के निकट पहुंचे तो महर्षि नारद ने उन्हें रोका। नारायण नारायण, इतनी शीघ्रता से कहां भागे जा रहे हो कुमार कार्तिकेय? प्रणाम मुनिवर, मैं पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके पिताश्री के दर्शन करने कैलाश जा रहा हूँ। नारायण नारायण कुमार, अब वहां जाकर क्या करोगे? गणेश का विवाह तो हो चुका है और उनकी दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र रत्न भी उन्हें प्राप्त हुआ है। कार्तिकेय नारद की बातें सुनकर भड़क गए। यह कैसे हो सकता है? गणेश मुझसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कभी नहीं कर सकता। मैं अभी जाकर देखता हूँ। नारायण नारायण। कार्तिकेय कैलाश पर पहुंचे। यह मेरे साथ छल है पिताश्री। छल नहीं है पुत्र, प्रतियोगिता गणेश ने ही जीती है। चलो अच्छा हुआ मेरी जान बची, मैं तो स्वयं विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहता था। कार्तिकेय बनावटी गुस्से से भरकर बोला, पिताश्री आप चुप क्यों हैं? आप न्याय कीजिए, क्या यह छल नहीं है? नहीं पुत्र, यह छल नहीं है। गणेश ने अपने बुद्धि कौशल से यह प्रतियोगिता जीती है। यदि आप भी यह कहते हैं तो ठीक है, मैं कदापि विवाह नहीं करूंगा। मैं क्रौंच पर्वत पर जाकर तप करूंगा। कार्तिकेय ने आगे बढ़कर बुद्धि और सिद्धि को आशीर्वाद दिया। सुखी रहो, अखंड सौभाग्यवती हो। दूसरे ही पल माता पिता को प्रणाम करके कार्तिकेय क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। तुम्हारी यात्रा शुभ हो भ्राताश्री।